मुक्तेश्वर मंदिर मैनेजमेंट कमेटी स्वामी लोचनानंद आश्रम बस्ती 9 में पंडित मनोज कुमार तिवारी के सानिध्य में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन की शुरुआत हुई। स्वामी लोचनानंद सरस्वती एवं स्वामी जगदीशानंद महाराज की प्रेरणा से शुरू हुई साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास देवकी नंदन पटियाला वालों ने अपने मुखारविंद से कथा का रसपान करते हुए श्री कपिल एवं नरसिंह अवतार संबंधी अवगत करवाया। कथा व्यास देवकी नंदन ने लोगों को सत्य धर्म अहिंसा के मार्ग पर चलने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संसार में जो मनुष्य माता पिता साधु संत में गो सेवा का पुण्य कमाता है वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। पंडित मनोज कुमार तिवारी ने उपस्थित संगत को बताया कि कथा के दौरान श्री राम जन्म एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव सहित श्री कृष्ण की बाल लीलाओं सहित परीक्षित मोक्ष का व्याख्यान किया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। क्योंकि कारण ये है, जहां हमारे घर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, जहां हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, जहां हमारे घर में गीता के श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए, भागवत के श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए, जहां हमारे घर में संत महात्मा आए कीर्तन होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, आज हमारे घर में क्या है, हम लोग अपने घर में डीजे बजाते हैं, बच्चे गंदे गंदे गाने बजाते हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हमारे ऋषियों ने संतों ने जो हमें दिया वो हम छोड़ करके भटके हुए हैं। और ये सारी चीजें कली की हैं। हम लोग घर में जाकर क्या देखते हैं, टीवी में सीरियल देखते हैं और सीरियल में क्या दिखाया जाता है, सास बहू के झगड़े, कैसी युक्तियां। अरे घर में बैठ करके अपने घर में रामायण चला लीजिए, कितना आनंद मिलता है। और भगवान की याद बनी रहती है। और फिर घर में हनुमान चालीसा को चला के रखिए, सुंदर कांड को चला के रखिए, अच्छे अच्छे भजन चला के रखिए, स्वयं बच्चों को साथ लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रामचरितमानस के दोहे चुपाइयां खुद पढ़िए, उनको पढ़ाइए, गीता के श्लोक खुद पढ़िए, उनको पढ़ाइए, क्योंकि ये सब पॉजिटिविटी है। जितनी पॉजिटिविटी हमारे घर में आएगी, क्योंकि ये ब्रह्म वाक्य हैं, जितना इनका उच्चारण होगा, जितना ये घर में सब होंगे, नेगेटिविटी दूर भागेगी। नेगेटिविटी मतलब कली, कली वहां टिक नहीं सकता जहां पे ये सब होता है। Oh,